दोस्तों को ट्रेन दिख रही है क्या? देखिए अगर आप नहीं दिख रही तो मेरे को दिख रही है दोस्तों। ये कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे, वाओ दोस्तों को सही व्यू है। दोस्तों हम जा रहे हैं, देख सकते हैं आप, ये बलिदान स्तंभ है। तो दोस्तों यहाँ पे शहीदों के नाम लिखे हुए हैं पिलर्स पे। तो यहाँ पे एंटर करते ही हमको बहुत अजीब सी फीलिंग आने लगती है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमको बहुत प्राउड फील होता है यहाँ पे आके। तो दोस्तों अब मैं आपको ले जाऊँगा अमर ज्योति के पास, आपको दिखाएंगे शहीदों के नाम की अमर ज्योति कैसे जल रही है। तो दोस्तों ये मेमोरियल पिलर्स है हमारे शहीदों के नाम के, मेमोरियल पिलर्स। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इतने ज़्यादा पिलर्स हैं, मतलब हमारे इतने ज़्यादा शहीद हुए हैं हमारे जवान जंग लड़ते लड़ते। तो दोस्तों यहाँ पे एटलीस्ट 60 तक पिलर्स है। अब हम आपको अमर ज्योति की तरफ लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों ये है शहीदों के नाम की अमर ज्योति, इसका मतलब ये है कि हमें अपने दिल में शहीदों का नाम रखना चाहिए, कभी नहीं भूलने देना चाहिए इस अमर ज्योति की तरह। तो दोस्तों यहाँ पे भी शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, जिनको परमवीर चक्र मिले, अशोक चक्र मिले और भी वो चक्र मिले हैं। तो ये सारी डेट्स और उनके नाम लिखे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे पानी का पूल सा बना हुआ था, यहाँ पे हमने बहुत मस्ती की। तो दोस्तों अब मैं आपको इस वॉल की तरफ लेके आ गया हूँ, जहाँ पे हमारे वीर जवानों के नाम लिखे हुए हैं, उनको कौन कौन से चक्र प्राप्त हुए हैं। परमवीर चक्र भी प्राप्त हुए हैं, जो बहुत सम्मान की बात है हमारे लिए, हमारे पूरे देश के लिए। तो दोस्तों 1947 में हुई इंडिया पाकिस्तान की वॉर, जिसमें हमारे इतने जवान शहीद हुए हैं अपने देश को बचाते बचाते और अपने देश की रक्षा करते हुए, उन सबकी डेट भी लिखी हुई। तो दोस्तों इंडिया चाइना वॉर में 1962 में जो भी हमारे जवान शहीद हुए थे उन सब के नाम लिखे हुए हैं। और यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान वॉर भी है 1965 में, यहाँ पे भी हमारे जवान शहीद हुए थे। और एक और इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 में, इसमें भी हमारे जवान शहीद हुए। एक कारगिल वॉर ऑपरेशन जैसा आपने सुना ही होगा 1999 में। तो दोस्तों ये सब देखकर आपको बहुत प्राउड फील होना चाहिए और हमें भी शपथ लेनी चाहिए कि हम अपने देश के लिए अपने प्राण भी बलिदान कर देंगे अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो। दोस्तों अब हम घर जाने वाले हैं अपनी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब टू शौर्य प्रोक्राफ्टर। तो आज का व्लॉग इतना ही है, सब्सक्राइब टू माय चैनल शौर्य प्रोक्राफ्टर। अगर आपको मजा आया हो इस व्लॉग में, सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं और व्लॉग डाल सकूँ आपके पास, ताकि आपको और मजा आए हमारे व्लॉग देखने में। सब्सक्राइब टू शौर्य प्रोक्राफ्टर, बाय।